दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बेबी सैनी और मेरे चैनल में माई क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे सुंदर सा डिज़ाइन। इसकी आज मैं फूल बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अब इसको बनाना कि कैसे बनती है फूल। अब मैं बताती हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे, ये वाला फूल हम कैसे बनाएंगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे बनेगा ये। इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। इस सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड करना है। ये वाला जो सर्कल है हमें इसको अच्छे से फिल कर लेना है। 2 चेन लेनी है और 2 ये छोड़ देने हैं इसमें टाँके इसके। दो चेन लेनी है और 2 इसके फिर छोड़ देंगे, ये 2 स्टिच इसके। ऐसे ही हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। और ये वाला जो हमें जो जैसे हमें इसे डिवाइड करना है, ये हमें फ्रंट से नहीं करना, इसको हमें बैक से करना है। 2 चेन बनाने के बाद हम जो क्रोशिया है वो बैक में लेके जाते हैं, जैसे इधर से 1 2 और यहाँ से हमें उठाना होता है। ये हमें ऐसे 8 पार्ट बनाने हैं इसके। अभी मैंने इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो बैक से ऐसा दिखाई देता है। हमें जो भी स्टिच लेना है वो बैक से ही लेना है, फ्रंट से नहीं लेना, तभी हमारा जो लीफ है वो उठ के आएगी। अब देखो जो पहला स्टिच है वो हमें बिना लपेट वाला लेना है, लपेट नहीं लेना है, तभी हमारी शेप बनेगी लीफ की। तो ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5। तीन 4 और ये 5। और इस 5 के बाद फिर जो मैं लास्ट वाला जो स्टिच लूँगी वो भी इसका बिना ही लपेट के लूँगी, मैंने इसमें लपेट नहीं लिया है। तो ये लीफ जो है हमारी उठ के आएगी। ऐसे ही हमें इसकी 8 की 8 लीफ जो है ऐसे ही बना लेनी है। 8 भाग में हमने इसे डिवाइड किया था। इसमें 5 लेने हैं बीच में और 2 हमारे आसपास के हो जाएंगे। ये हमारे इसमें टोटल हो जाएंगे 7। ये 2 बन चुकी है हमारी। अब ये बनने के बाद फूल बहुत ही सुंदर लगेगा। इसको हम किसी में भी पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम इससे जैकेट भी बना सकते हैं। ये जो फूल हैं ये जोड़ के बहुत सुंदर जैकेट भी बन सकती है, चाहे हम कुछ भी बना सकते हैं, टेबल कवर, सोफे के कवर, कुछ भी बना सकते हैं इन फूलों को जोड़ के हम। अब ये हमारी 5 लीफ भर चुकी हैं इसमें। बस इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि पहला जो स्टिच है वो हमें बिना ही लपेट के लेना है और 5 स्टिच हमें लपेट वाले लेने हैं, जिसमें हमें डबल क्रोशिया लेना है। और अब देखो ये लास्ट वाला जो मैं ले रही हूँ ये बिना ही लपेट के, मैंने कोई ये नहीं लिया,
बिना लपेट के लेना, तभी इसकी फूल की जो शेप है वो आएगी अच्छे से। ये मेरा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, इसमें मुझे दो राउंड का ये फूल बनाना है। अब हमें अगला कैसे स्टार्ट करना है वो भी बैक से ही करना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना। पहले हमने दो चेन ली थी, अब हमने तीन चेन ली है। तीन चेन लेने के बाद जो पहले ये वाला है ना, यहाँ से बैक से ऐसे जैसे ये है, तो यहाँ से बैक से क्रोशिया डालना है, तभी हमारी ये जो लीफ हैं वो अपनी ऐसी शेप ले लेंगी जैसे नेचुरल फूल होता है। अब इसको ये आठ ही फूल हैं, तो हम इसका भी डिवाइड आठ का ही होगा। देखो कैसे उठती हुई चली जा रही है अब ये। अब ये मेरा लास्ट है इसका, ये स्टिच यहाँ से मैं इसको यहाँ से जॉइंट कर दूंगी। देखो करना बैक से ही है, देखो। अब हमें जैसे हमने पहले ये जो पत्तियाँ इसकी पहले फिल की थी ऐसे ही करेंगे। हमें यहाँ से कोई ये नहीं लेना है, इसका एक लपेट नहीं लेनी है, ऐसे ही पहले वाला स्टिच जो है बिना लपेट के ले लेंगे हम। पहले मैंने इसमें पांच स्टिच लिए थे बीच में, लेकिन इसमें मुझे छह लेनी है। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, क्योंकि ये वाली जो पत्ती है ये ऊपर वाले से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। सात भी ले सकते हैं वैसे, सात ज़्यादा सही लगेंगे क्योंकि ऊपर पांच लें तो नीचे सात, ठीक है। ये देखो ये बन गई। अब ऐसे ही यहाँ से मैंने इस ये वाला लपेट नहीं लिया, ऐसे ही सिंपल पहले वाला और उसके बाद ऐसे ही ले लेंगे इसमें सात। देखो लास्ट वाला बिना लपेट के लेना है हमें, तभी ये हमारी पत्तियाँ जो हैं ऐसे बन के आएंगी। पहले वाला बिना लपेट वाले के ले लेना है। ये फूल बन के बड़ा ही सुंदर लगता है और हम इसे किसी भी पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। एक कलर की बनाना चाहो सब फूल एक कलर के भी बन सकते हैं, और कई कलर के बनाना चाहो तो कई कलर के भी बना सकते हैं। बस ये है कि जो जिस कलर से हम इसको ये फूल बन रहे हैं जोड़ने के लिए दूसरा कलर यूज़ करना पड़ेगा। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जोड़ना इसमें नहीं बताऊँगी, अगली वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं इसमें फूल ही बता रही हूँ सिर्फ बनाना, कि ये फूल कैसे बनता है। और कमेंट करके बताना ये फूल आपको कैसा लगा और कैसी लग रही है मेरी वीडियो, ये भी जरूर बताना। अभी लास्ट बचा है एक, बता देती हूँ ये अच्छे से कैसे हमारी लास्ट में कैसे बन जाएगा। लास्ट का इसमें हमने लपेट नहीं लेना है, ऐसे ही ये फिर पत्ती मुड़ के बड़ी सुंदर लगेगी। अभी मेरा फूल जो है पूरा तैयार हो चुका है।
अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये कैसे जोड़ते हैं इसको। देखो ये कैसे सुंदर फूल बन जाएंगे। बाय बाय दोस्तों।